आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवन में जोड़ी है। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करें। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे प्राण की हानि न होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम्हारे प्राण की कोई भी हानि नहीं होगी। प्रेरितों के काम उसके 27 अध्याय में हम लोग देखते हैं, प्रेरित पौलुस जब रोम की यात्रा कर रहे होते हैं और वो समुद्र में होते हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ में हैं, वो जहाज पर हैं और अचानक से समुद्र में तूफान आ गया और तूफान के कारण वो कई दिनों तक समुद्र में ही रह गए और उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। तूफान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, न उन्हें सूर्य दिखा न उन्हें चंद्रमा दिखी और मानो उन सब की आशा खत्म होने लगी। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने जहाज का सामान समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया और आंधी बढ़ती चली गई और अंत में उन सब की सारी आशाएं जाती रही और वे निराश हो गए। परंतु प्रेरित पौलुस उस जहाज में थे और प्रेरित पौलुस उठा और प्रेरित पौलुस ने उन सब से कहा कि ढाड़स बांधो क्योंकि तुम में से किसी के भी प्राण की हानि न होगी। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पौलुस प्रेरित ने उन सब लोगों से कहा कि तुम ढाड़स बांधो, तुम्हारे प्राण की हानि नहीं होगी क्योंकि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और उसने मुझसे कहा है वो मुझे कैसर के सामने खड़ा करेगा, इसलिए वो हमें समुद्र में नष्ट नहीं होने देगा, वो हमें उस जगह तक लेकर के जाएगा जो उसने मेरे लिए तैयार करके रखी है। इसलिए वो उनसे कहता है ढाड़स बांधो, मत डरो, हमारे प्राणों की हानि नहीं होगी, तुम में से किसी का भी एक भी बाल नहीं गिरेगा। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे हमारे देश की परिस्थितियां बिगड़ गई हो, चाहे हमारे दुनिया की परिस्थितियां बिगड़ गई हो, चाहे आपकी घर की परिस्थितियां बिगड़ गई हो, चाहे आपको कोई आशा नजर नहीं आ रही हो, चाहे तूफान बढ़ता ही चला जा रहा हो, चाहे आपको सूर्य नजर नहीं आ रहा हो, चाहे आपको चंद्रमा नजर नहीं आ रहा हो, पर इन सब के बीच में परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, ढाड़स बांध, तेरे प्राण की हानि नहीं होगी और तेरा एक भी बाल नहीं गिरेगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो परंतु तेरी कोई भी हानि नहीं होगी, तेरा बाल नहीं गिरेगा और तेरे प्राण की हानि नहीं होगी। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं कि कई दिनों बाद समुद्र शांत हुआ, पौलुस उस स्थान तक सुरक्षित पहुंचा जहां परमेश्वर उसे ले जाना चाहता था। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से परमेश्वर आपको रास्तों में नष्ट नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको इस जीवन के सफर में नष्ट नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको उस स्थान तक लेकर के जाएगा जो उसने आपके लिए बनाया है और आपके लिए नियुक्त किया है। परमेश्वर आपको उस अच्छे भविष्य तक, उस उज्जवल भविष्य तक, उस ऊंचे स्थान तक लेकर के जाएगा जो उसने आपके लिए नियुक्त किया है, उस अनंत जीवन तक लेकर के जाएगा जो उसने आपके लिए रखा हुआ है। मेरे प्रियो, जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, जीवन में तूफान तो आएंगे, परंतु उन तूफानों में तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारा प्राण नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा एक भी बाल नहीं गिरेगा, क्योंकि जो तुम्हें बुला रहा है, जिसकी तुम भेड़े हो, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो तुम्हें रास्ते में मरने नहीं देगा, तुम्हारी हानि नहीं होने देगा। इसलिए आप विश्वास में दृढ़ रहें, विश्वास में मजबूत रहें, आप डरे नहीं, क्योंकि आपका बुलाने वाला विश्वास योग्य है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्रेमी स्वर्गीय पिता, मेरे यीशु हमारे जीवन के प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से मेरे अब्बा, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे अगापे प्रेम के लिए लॉर्ड,
धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु तू धन्य है, तू धन्य है, तू पवित्र 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 है पिता परमेश्वर। प्रभु तू आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, सूर्य और चंद्रमा को स्थिर करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन। प्रभु इस पूरे संसार का सृजनहार है खुदावन, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे यीशु। सच में प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम धन्यवादी हैं प्रभु, कि रात भर में मेरे यीशु राजा आपने संभाल कर रखा प्रभु, एक अच्छा आराम, एक अच्छी मीठी नींद दी प्रभु, और आज का नया दिन प्रभु हमें दिखाया। हम धन्यवादी हैं, हम हृदय से धन्यवादी हैं, अपने पूरे पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से हम धन्यवादी हैं परमेश्वर। हमारे परिवार के हर एक सदस्य की आपने रक्षा हिफाजत की प्रभु, इस भाई के, इस बहन के रक्षा हिफाजत की, इनके परिवारों की रक्षा हिफाजत की यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुंदर सुबह में प्रभु हम धन्यवादी हैं, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो सब प्रभु परमेश्वर उन सब को आपकी पवित्र उपस्थिति में रखते हैं, आपके पवित्र गाढ़े पवित्र लहू से उन्हें प्रभु ढांप लेते हैं परमेश्वर पिता। आपके सुरक्षा दायरे को परमेश्वर पिता हम अपने इर्द गिर्द रखते हैं परमेश्वर। आज की सुबह में परमेश्वर पिता हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक नेगेटिव विचार, हर एक शैतान की युक्तियों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। हम खाली मनों को लेकर, अपने आप को खाली और शून्य करके मेरे पिता तेरी पवित्र उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, आज की सुबह में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु मसीह कि सच में मेरे परमेश्वर तू दीन है, तू नम्र है प्रभु, और तू भला परमेश्वर है मेरे खुदावन। सच में मेरे पिता हम तेरा धन्यवाद करें सेनाओं के प्रभु, तू पवित्र है, तू अपने सिंहासन पे विराजमान है पिता परमेश्वर, तेरा सिंहासन स्वर्ग में स्थित है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर तेरे चरणों की चौकी पृथ्वी पर है। हालेलुया, ओ मेरे परमेश्वर तू ईश्वरों का परमेश्वर है पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तू तेरी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, तुझे छोड़ कौन बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है, तुझे छोड़ कौन हमें चंगाई दे सकता है, तुझे छोड़ हमारी हालातों को कौन बदल सकता है यीशु मसीह। हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे प्रभु, मेरे प्रेमी पिता, ओ लॉर्ड फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आज की सुंदर सुबह में मेरे परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा के मसाज से भर दीजिए ओ परमेश्वर। प्रभु हमें अपनी उपस्थिति से अनॉइंटेड कर पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति, हाँ मेरे प्रभु इस समय में मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता अब भी और इसी वक्त आपकी उपस्थिति हमारे संग में है पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार हैं परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन हमें परिपक्व करें, हमें आपकी उपस्थिति में बढ़ाएं परमेश्वर पिता। हर एक डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से दूर करते हैं, हर एक ब्लॉकेज यीशु के नाम से खोलते हैं, हर एक बंद बातों को प्रभु जो बंधन है यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, हम शून्य होकर तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु। भर दीजिए प्रभु आज अपने अभिषेक से, अपने आश्चर्य कर्मों से, अपनी दया से, अपनी भलाई से। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, यू आर सच अ वंडरफुल फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर। ओ मेरे प्रभु यीशु, तू यहोवा नीसी है, हालेलुया, यहोवा शम्मा है, हालेलुया, यस माय फादर लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे खुदावन तू वो परमेश्वर है जिसने पृथ्वी के ऊपर जल को फैलाया, और प्रभु सच में तेरी करुणा सदा की है प्रभु। तो तूने प्रभु ज्योति को बनाया परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है। तूने प्रभु परमेश्वर दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया प्रभु, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया, रात पर प्रभुता करने के लिए तूने चंद्रमा को और तारा गणों को बनाया, हम तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, सच में मेरे प्रभु तू भला है प्रभु। तूने प्रभु आकाश को प्रभु अपनी बुद्धि से बनाया प्रभु, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते प्रभु। भजनकार दाऊद तेरी महिमा को करता है प्रभु जी, वो तेरा धन्यवाद करता है इन सारी बातों के लिए प्रभु, उन भलाइयों के लिए प्रभु जो हमारे जीवनों में आपने की है, जो पिता परमेश्वर हम धन्यवादी हैं उन भलाइयों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किए हैं यीशु राजा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु विशेषकर हम धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे हृदयों में बोया है प्रभु। सच में पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे प्राणों की हानि नहीं हो,
होगी पिता परमेश्वर, जिस प्रकार परमेश्वर पिता हमने प्रभु आज के वचन में सुना प्रभु, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस को पिता परमेश्वर जब वो नाव में थे और प्रभु आंधी तूफान आया प्रभु, सब लोग घबरा गए, उनकी आशाएं टूट गई थी प्रभु, परंतु पिता परमेश्वर तेरा वचन जो जीवित और अटल है परमेश्वर पिता, उसने उन लोगों को और सबको जितने वो नाव में थे उन्हें ढाढ़स दिया, उनके कच्चे मनों को दृढ़ किया, क्योंकि परमेश्वर तू परमेश्वर है, वो महान अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला। हालेलुया, ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है पिता प्रभु। जिस प्रकार वो आश्चर्य कर्म तूने उस नाव में किया कि तूने कहा कि तुम्हारे प्राणों की हानि नहीं होगी, कि तुम्हारा एक भी बाल कम ना होगा, यस माय लॉर्ड जीसस, आज की सुंदर सुबह में आप हमसे ये वायदा करते हैं, आप हमसे अपने वचन के द्वारा प्रभु, उस अटल वचन के द्वारा जो कभी नहीं टलता, उसके द्वारा वचन से वायदा करते प्रभु, अपने बच्चों से, अपने बेटे बेटी, अपने संतान से आप प्रभु हमसे ये वायदा करते हैं, यस माय लॉर्ड जीसस, के प्रभु हमारी कोई हानि नहीं होगी, हमारा सर का एक भी बाल गिरने ना पाएगा, कोई भी विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी, कोई भी मुश्किलें प्रभु परमेश्वर हम पे नहीं पड़ेंगी, क्योंकि परमेश्वर हम आपकी संतान है, हम आपके हाथों में सुरक्षित है, और परमेश्वर तेरे परों तले प्रभु हम सुरक्षित है। जिस प्रकार मुर्गी प्रभु बच्चों को पिता परमेश्वर मुसीबत के समय, तूफान आंधी तूफानों के समय अपने परों तले हिफाजत से रख लेती है, मेरे यीशु, मेरे यहोवा परमेश्वर, उसी प्रकार मेरे खुदा तू हमें भी मुसीबत के समय, संकट के समय, महामारी के समय अपने परों के तले सुरक्षित रखता है प्रभु। आज संसार में कोरोना वायरस ने प्रभु हाहाकार मचाया है, आतंक मचाया है, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता कोरोना वायरस को हम डांट कर आज्ञा देते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसका नाश करते हैं, उसे अथाह कुंड के जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। परमेश्वर तुझे सारी बातों पर अधिकार है मेरे प्रभु, तुझे इन सारी बातों पर अधिकार है, और प्रभु तूने ये अधिकार हमें दिया है, तूने कहा है कि मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है प्रभु। हम यीशु के नाम से उस कोरोना वायरस को अधिकार से डांट कर इस संसार से दूर करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु, हम तेरे लहू के नीचे सुरक्षित हैं, हम तेरे पाक लहू के नीचे सुरक्षित हैं, यस माय लॉर्ड फादर। आज की सुंदर सुबह में आप हमारे मनों को दृढ़ करें, आप इस भाई के, इस बहन के, इनके परिवार के हर एक सदस्य के हृदय को दृढ़ करें प्रभु। जिस प्रकार प्रभु वो लोग प्रभु जो नाव में थे और प्रेरित पौलुस प्रभु, उस समय प्रभु उनकी कोई हानि नहीं हुई, उन पर कोई विपत्ति नहीं पड़ी, और प्रभु जबकि प्रभु वो तो मौत के नजदीक थे, फिर भी परमेश्वर पिता किसी कोई भी विपत्ति उन पर नहीं पड़ी और उनका एक भी बाल बांका नहीं हुआ। उसी प्रकार परमेश्वर पिता हम पर भी कोई मुसीबत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उस परम प्रधान, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के नीचे हैं, हम सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया मेरे प्रभु, आज की सुबह में आप हमारे साथ हैं, आज के पूरे दिन भर में आप हमारे साथ हैं, कोई भी विपत्ति, कोई भी मुश्किल, कोई भी बीमारी, कोई भी कर्जा हमें टला नहीं सकेगा, कोई भी मुसीबत हमारे जीवन को अस्त व्यस्त नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी योजनाएं जो उसने हमारे लिए बनाई है, उस योजना तक, उस लक्ष्य तक परमेश्वर हमें पहुंचाएगा, जो परमेश्वर ने आशीषें हमारे लिए रखी है, जो भलाइयां प्रभु ने हमारे लिए रखी है, वो हम अवश्य देखने पाएंगे। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर। पिता जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर की भलाइयों को देखूंगा, उसी प्रकार परमेश्वर पिता हम सब अपने जीवन में मेरे प्रभु तेरी भलाइयों को देखेंगे, जो आपने हमारे लिए रखी है मेरे प्रभु। पिता यदि आज की सुबह में ये बीमार है यीशु मसीह, यदि ये दर्द में है, यदि ये पीड़ा में है, यदि ये दुख में है, यीशु के नाम से उस दर्द को, उस बीमारी को, उस दुख को मैं डांट कर आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ यीशु के नाम से इनके जीवनों से प्रभु। पूर्णतः आप इन्हें चंगाई दीजिए, आप इनके दुखों को आनंद में बदल दीजिए, यस माय लॉर्ड जीसस, क्योंकि आपने कहा है कि तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। यस जीसस लॉर्ड प्रभु, आपका वचन अटल है और उस अटल वचन पर हम विश्वास करते हैं, हम सब विश्वास करते हैं, जितने भी भाई बहन अभी बैठे हैं तेरे सम्मुख प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, आपके पास उनके लिए उत्तम योजनाएं हैं। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस को प्रभु उस मुसीबत के समय तूने ढाढ़स दिया, तूने मजबूत किया कि कैसर के सामने उसे खड़ा होना था प्रभु, तूने उस योजना को सफल किया, उसी प्रकार प्रभु आज जो हमारे जीवन के लिए तेरी योजनाएं हैं प्रभु, ये अंत नहीं है प्रभु, ये बीमारी हमारा अंत नहीं है, ये हमारे जीवन
जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके पास हमारे लिए आगे एक प्लानिंग है, आपके पास हमारे लिए एक भलाई है जो हम अपने भविष्य में देखने जा रहे हैं। हालेलुया, यस माय फादर लॉर्ड जीसस, प्रभु परमेश्वर तेरी भलाइयों को हम देखेंगे। जिस प्रकार पौलुस प्रेरित ने प्रभु जी तेरी भलाई को देखा और प्रभु उसकी जो युक्तियां आपने उसके लिए बनाई वो पूरी हुई, उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवनों से भी, प्रभु आपने हमारे जीवनों से भी महिमा को लेना है, आपने हमारे जीवनों से अद्भुत कामों को करना है। परमेश्वर ने हमारे लिए युक्तियां बनाई है और कोई भी हानि, कोई भी विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी, हमारी कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारा बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रभु पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में मेरे प्रभु जी, आप इन्हें सुख शांति और समृद्धि से भरे। मेरे प्रभु इनके हर एक फाइनेंस के सोर्सेस को खोल दीजिए। प्रभु इनके फाइनेंसली अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं माय लॉर्ड, प्रभु आप इनके लिए अपने महिमा मैदान से पूरा कीजिए। यदि जॉब से रिलेटेड इनके जीवन में समस्याएं हैं, परंतु परमेश्वर की जो युक्तियां हमारे लिए बनाई है वो हमारे लिए भली की हैं। मेरे परमेश्वर आपने प्रभु इन्हें बेस्ट जॉब दे दिया है परमेश्वर। यदि आज के हालात प्रभु बिल्कुल विपरीत है, परंतु आने वाले समय पर परमेश्वर ये भाई ये बहन तेरे भलाइयों को अपने जीवन में देखेगी। जिस प्रकार दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर की भलाइयों को देखूंगा, उसी प्रकार ये भाई बहन, ये भाई और ये बहन, इनके परिवार के लोग, जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, वो तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देखेंगे। यस माय लॉर्ड फादर, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यदि प्रभु इनके ऊपर कर्जा है, प्रभु यदि इनकी शादी नहीं हो रही है, यदि प्रभु इनका बच्चा नहीं हो रहा है, यदि इनका घर नहीं बन रहा है, इनका लोन पास नहीं हो रहा है, और प्रभु इनके घर के लोग कहीं फंसे हैं, यदि वो बहुत ज्यादा संकट में है, इनके लोग रास्तों में फंसे हैं, इनके दो लोग विदेशों में फंसे हैं, परमेश्वर पिता आपके आगे ये समस्याएं, ये हालात हमें बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने कहा तुम्हारी हानि नहीं होगी। यस माय लॉर्ड जीसस, आपने इन्हें अच्छा जॉब दे दिया है पिता, आपने इन्हें अच्छा लाइफ पार्टनर दे दिया है पिता, आपने इन्हें अच्छा, इनको गर्भ की आशीषें दे दी है पिता, संतान की आशीषें दे दी है पिता, आपने इनके घरों को बना दिया है, आपने इनके लोन को पास कर दिया है, आपने इनके रुके कामों को सफल कर दिया है। मेरे प्रभु यदि ये अपने जीवन में असफल है, यदि ये डिप्रेशन में है, यदि इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, प्रभु ये बातें इनके लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप इन सारी बातों पे विजयी हैं, आपने छुटकारा दे दिया है इन सारी बातों से। मेरे परमेश्वर पिता आपने इन्हें सफलता दे दी, इनके जीवन में आपका सौभाग्य जुड़ चुका है परमेश्वर। मेरे प्रभु जो युक्तियां आपने इनके लिए बनाई है, जो प्लान्स आपके पास इन भाई बहनों के लिए है, इनके परिवारों के लिए है, यीशु मसीह वो उत्तम है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की हमारी हानि ना होगी प्रभु जी। यदि परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में मेरे प्रभु जी, उन लोगों के लिए प्रभु जो हमारे देश को चला रहे हैं पिता, उन्हें आप ज्ञान बुद्धि समझ दें प्रभु जी। मेरे खुदावन जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और प्रभु जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं पिता, यीशु मसीह आप उन सब को सिक्योर करें, आपके लहू के नीचे, आपके सुरक्षा दायरे में उन्हें रखते हैं प्रभु। हम विनती निवेदन, हम सारे भाई बहन मिलकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप उन लोगों की सुरक्षा करें पिता, कि वो जब और लोगों की सुरक्षा कर रहे प्रभु, उनको उनका बचाने वाले आप हैं प्रभु। मेरे पिता आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा प्रभु उनके इर्द गिर्द रखते हैं, जो पुलिस वाले प्रभु अपनी ड्यूटीज में है, जितने भी लोग अपनी ड्यूटीज जा रहे हैं प्रभु, कंटिन्यूसली प्रभु सर्व कर रहे हैं, यीशु मसीह आप उनकी सहायता करें प्रभु। हमारे अधिकारियों को भी ज्ञान बुद्धि समझ दे, जो मेडिसिन बना रहे हैं, जो एंटीडोज बना रहे हैं, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु। इस वायरस का खात्मा कर प्रभु इस पूरे संसार से। हालेलुया मेरे प्रभु, सब प्रभु तेरे नाम को जानने पाए, सब प्रभु तेरी ओर आने पाए, सब जानने पाए कि तू महान है और प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा, ईश्वरों का परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद पिता, सच में तू भला है और तेरी करुणा सदा के लिए हमारे ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, तेरे पीछे चलने वालों के ऊपर सदा के लिए है यीशु मसीह। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, आप हम सब से प्रेम करते हैं, आप हम सब की जरूरतों को जानते हैं, आप हम सब की पीड़ाओं को जानते हैं, आपने हमारे आंसुओं को देखा है, आपने हमारे घर के हालातों को देखा है, आपने हमारे घर के परिवार के लोग कैसे फंसे आपने देखा है पिता। आपके पास हमारे लिए सोल्यूशन है, आपके पास हमारे लिए आशा है, आपने कहा अंत में फल होगा और तुम्हारी आशा ना टूटेगी। यस माय लॉर्ड जीसस, आज की सुंदर सुबह में आज परमेश्वर
परमेश्वर, और हमेशा प्रभु हम अपने जीवनों में मेरे पिता तेरी भलाइयों को देखेंगे। हाँ मेरे प्रभु, प्रभु हम इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को तेरे नाम से ब्लेस करते प्रभु, कि सच में प्रभु आपका आनंद इनके जीवनों में बना रहे प्रभु, इनकी कोई हानि नहीं होगी। चाहे प्रभु मुसीबत आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, कितने बड़े महामारी आ जाए, परंतु हमारी हानि ना होगी, हमारा एक भी बाल ना गिरेगा। यीशु आपने अपने वचन में हमें प्रतिज्ञा दी है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड जीसस, सब कुछ में हम आपको आदर महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।